नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक के पेपर को किस तरीके से पास किया जाए, किस तरीके से उसको निकाला जाए, और वो भी बहुत बहुत कम मेहनत करके। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, अगर मेहनत ही आप करने वाले होते तो आप मेरा वीडियो नहीं देखते। तो आप अगर मेहनत करने वाले नहीं हो, यानी कि या फिर आप मेहनती तो बहुत हो लेकिन आपका मैथमेटिक में हाथ थोड़ा तंग है, मतलब आपको मैथमेटिक उतनी अच्छी नहीं आती है, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं इसमें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने मैथमेटिक के एग्ज़ाम को बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ तक कि बिना पढ़े भी निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, इतना तो मत थे, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई पास हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ना तो बिना पढ़ने के बराबर ही है। आज हम जानेंगे तीन ट्रिक्स के बारे में, जो तीन ट्रिक्स ऐसी हैं इनमें से कोई सी भी ट्रिक अगर आप आजमाते हो तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, गारंटी। और मैं एक बात और बताऊं, आप जब पास हो जाओगे तो मुझे आप मैसेज करके जरूर बताना कि सर आपकी ट्रिक्स काम में आई हमारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली ट्रिक की बात करते हैं। जी हाँ, आप सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के, ओनली 5 चैप्टर पढ़ के भी आप अपने बोर्ड एग्जाम मैथ का 10th क्लास का पेपर और 12th क्लास का पेपर आप बहुत ही आसानी से ओनली 5 चैप्टर पढ़ के निकाल सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और उसमें भी कोई आपको टफ चैप्टर नहीं पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर चूज कर लीजिए, आप अपनी बुक के कोई से भी इजी चैप्टर चूज कर लीजिए। लेकिन इस कंडीशन के लिए एक शर्त है कि आपको इन 5 या 6 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन करना मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आप इन 5-6 चैप्टर में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजोगे, ऐसा नहीं। बुक का हर एक पेज पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपके फुल नंबर आ पाए। मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि वो 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपको कौन से लेना है, उन 15 चैप्टर में से। टोटल सिलेबस जो 15 चैप्टर का सिलेबस है उनमें से ओनली 5 चैप्टर आपको चुनना है। मैं आपको बताता हूँ कि वो 5 चैप्टर कौन से होंगे। एक तो ले लीजिए आप 1st चैप्टर जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं, दूसरा ले लीजिए आप पॉलीनोमियल, वो भी इजी चैप्टर है। तीसरा लेते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आपको मालूम बहुत ईजी चैप्टर है। फिर हम लेते हैं 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, आपको मालूम कंस्ट्रक्शन भी ईजी चैप्टर है। फिर हम लेते हैं चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिक्स, और फिर लेते हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी। ये कुल मिला के मैंने 6 चैप्टर चूज किए हैं। इन 6 चैप्टर में से भी आप चाहो तो एक चैप्टर गायब कर सकते हो, लेकिन हम पहले 6 चैप्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है आपके 10th क्लास के। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के आएंगे, यानी इसका जो वेटेज है वो कितना रहेगा। तो चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर 8 नंबर का, पॉलीनोमियल 4 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, 11th चैप्टर यानी कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का, स्टैटिक्स 8 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स की, यानी कुल मिला के 33 नंबर हो जाते हैं। ये मैं अभी स्टैंडर्ड मैथमेटिक की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक की, तो बेसिक मैथमेटिक भी हम इसी टाइप से, यही चैप्टर जो मैंने अभी स्टैंडर्ड के लिए जो चैप्टर बताया वही चैप्टर हम बेसिक के लिए भी चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स है उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो देख लीजिए आप। जो पहला चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, दूसरा चैप्टर 7 मार्क्स का, जो 7th चैप्टर है वो 6 मार्क्स का, 11th चैप्टर 3 मार्क्स का, और 14th चैप्टर 5 मार्क्स का, और प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि 15th चैप्टर वो 6 मार्क्स का, ये भी 33 नंबर का आएंगे। तो इस तरह से ये दोनों, चाहे बेसिक मैथमेटिक हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक हो, दोनों में ही आप ये 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर चुन लीजिए। इन 6 चैप्टर में से भी आपको जो चैप्टर ज़्यादा टफ लग रहा है उसको हटा दीजिए, तो भी आप 27 नंबर ला सकते हैं। इस तरह से आप 15 चैप्टर में से ओनली 5 चैप्टर पढ़ के भी पास हो सकते हो। ये तो था फर्स्ट मेथड जिसके थ्रू आप बहुत ही कम मेहनत करके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक्स की या दूसरे मेथड की, जो बहुत ही कारगर है और उसमें भी आप बहुत ही बहुत, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ नहीं पढ़ने के बराबर भी अगर मेहनत करोगे तो भी पास हो जाओगे। मेथड में आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग या जहाँ से जितना भी आ जाए, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग आना चाहिए, बीच में से कहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है वहाँ से कर दीजिए। मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, एक क्वेश्चन जैसे आपने करने बैठे और आपको लग रहा है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं नहीं, आप स्टार्ट करिए कहीं ना कहीं से, थोड़ा बहुत जितना भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ सेकंड स्टेप से आपको आ जाए, थर्ड स्टेप से आ जाए, जिस भी स्टेप से आपको क्वेश्चन समझ में आए वहीं से कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए काफ़ी हमेशा
स्टेप मार्किंग होती है, यानी हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, जिस जो स्टेप आपकी सही जाएगी उस पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो मान लेते हैं 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस है, आपने सारे अटेम्प्ट किए, हो सकता है 3 आपके तुक्के में सही चले जाए, ऐसा अपन मान लेते हैं, क्योंकि वी आर पॉजिटिव, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं ओनली 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके तुक्के में सही चले गए, तो आपको पहले सेक्शन में से 3 मार्क्स मिल गए। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। दूसरे सेक्शन में आने हैं 6 क्वेश्चन ओनली। नंबर कितने होंगे? 12, और क्वेश्चन कितने होंगे? ओनली 6। मान लीजिए सभी क्वेश्चन में से आपको 0.5 नंबर मिले, यानी आधे आधे नंबर आपको हर क्वेश्चन में से मिले। मैंने आपने क्या करा था, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर दी थी, फार्मूला लिख दिया था, कुछ भी ऐसा कर दिया था, तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स मिल गए, और इस तरह से आपको 3 मार्क्स मिल गए। सेक्शन बी में आपके मिल गए 3 मार्क्स। हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में कितने आएंगे? 8 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन बड़े होंगे क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हो सकता है आपने तुक्के लगाए थोड़े बहुत, उसमें क्वेश्चन किसी का फार्मूला लिख दिया, कोई थ्योरम आई तो उसमें आपने गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, थोड़े से उसको स्टार्ट कर दिया, डायग्राम बना दिया, इस टाइप के कुछ भी थोड़ा बहुत, और थ्योरम तो आनी ही, इस सेक्शन में थ्योरम आनी आनी है, 2 थ्योरम तो आएगी आएगी। तो दो थ्योरम का जो स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया कि आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, इसके बाद गिवन लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इतने करने पर आपको हाफ मार्क्स, यानी जो क्वेश्चन का हाफ मार्क्स है वो आपको मिल ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस 8 क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर भी अगर मिले तो भी आपके 8 नंबर मिल ही जाएंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, स्टार्ट करते हो और कहीं तक भी उस क्वेश्चन को ले जाते हो तो। ठीक है, हम बात करते हैं डी सेक्शन की। डी सेक्शन भी आएगा 24 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे? ओनली 6 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन बड़े होंगे तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेप्स लिखते हैं तो नंबर मिलने के चांसेस भी हमको ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मान लीजिए छोटा क्वेश्चन है तो 2-3 स्टेप लिखेंगे, लेकिन लंबा क्वेश्चन है तो उसमें हम ज़्यादा स्टेप्स लिख पाएंगे, ज़्यादा स्टेप लिख पाएंगे तो हमको स्टेप मार्किंग के हिसाब से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आपने ये सेक्शन किया और 6 क्वेश्चन में मिला के आपको पूरे 8 जोड़ते हैं तो कितने आ रहे हैं? 20 मार्क्स आ रहे हैं। अब इंटरनल मार्क्स की बात आती है, तो कोई भी स्कूल वाला कितना भी कम नंबर देगा तो 13 तो देगा ही देगा, मैं तो 15 की कह रहा हूँ, लेकिन चलिए आपके स्कूल वाले नहीं दे रहे तो 13 तो दे ही देंगे, तो 13 और 20 कितने होते हैं? 33, आप फिर से पास हो गए। तो आपको मैथ के पेपर में बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो चलिए, मैंने अभी तक आपको दो मेथड की बात करी, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, अब आपको तीसरी मेथड यानी तीसरी ट्रिक्स बताता हूँ, तीसरी ट्रिक बताता हूँ जो बहुत ही कारगर है, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक हो, दोनों ही जो पेपर है उसमें जो सेक्शंस होंगे वो 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो पहला सेक्शन 20 मार्क्स का, दूसरा सेक्शन 12 मार्क्स का, तीसरा सेक्शन 24 मार्क्स का, और सेक्शन डी 24 मार्क्स का रहने वाला। इस तरह से 80 मार्क्स टोटल होते हैं। अगर हम इंटरनल मार्क्स को मिला दें तो वो होते हैं 20 नंबर, और टोटल जब करेंगे ग्रांड टोटल तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब मान लेते हैं कि आपके जो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे उसमें से केवल 6 ही क्वेश्चन थे जो आपको बन रहे थे, यानी कि आपको मालूम था कि इसका आंसर सही है, चलिए इसमें आ गए आपके 6 मार्क्स। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं, सेक्शन बी के 12 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको उनमें से कुछ आए, कुछ नहीं आए, कुछ अधूरे से आए, और आपको उसमें से 4 मार्क्स ही मिले, मिलने थे 12 लेकिन आपको 4 ही मिले। फिर हम चलते हैं सी सेक्शन में, सी सेक्शन में 24 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और आपने खूब मेहनत करी लेकिन फिर भी आपके ओनली 50 मार्क्स ही आए, चलिए कोई बात नहीं। फिर हम डी सेक्शन में चलते हैं, और डी सेक्शन में भी 24 मार्क्स के क्वेश्चन थे और आपको उसमें भी ओनली 15 मार्क्स ही आए। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो आते हैं आपके 40 मार्क्स, जो कि आप पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा हैं। पासिंग मार्क्स के कितने हैं आपके? 27, लेकिन आपके कितने आ रहे हैं? 40। मान लीजिए इंटरनल मार्क्स आपके 15 नंबर आ जाते हैं, जो कि स्कूल वाले लगभग इतने तो दे देते हैं, तो कितने हो गए आपके? 55 मार्क्स हो गए, मतलब 55% आपके बन गए। ठीक है, मान लीजिए आपका जो किस्मत है वो इतनी नहीं चल रही है और भी आपको परेशानी है मैथ में, तो मैं दूसरी कंडीशन बताता हूँ। दूसरी कंडीशन में जैसे मान लीजिए आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, यानी मल्टीपल चॉइस के, उसमें ओनली 4 क्वेश्चन ही आपको सही से बन पा रहा है। इसके बाद जो सेक्शन बी है 12 नंबर का जो सेक्शन आने वाला है, उसमें आपको 2 नंबर ही मिल पाए, यानी 2 नंबर ही के क्वेश्चन ही आप कर पाए। सी सेक्शन जो कि 24 मार्क्स का है, उसमें आपको हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहे कुछ नहीं आ रहे और आपको 12 मार्क्स ही मिल पाए। सेक्शन डी की बात करें 24 मार्क्स का जो आने वाला था, उसमें भी आपके ओनली 12 ही आंसर, यानी उसमें भी आपके सिर्फ 12 नंबर का ही सही जा रहा है। अगर हम इनको भी जोड़ते हैं तो 30 मार्क्स होते हैं। आपको चाहिए 27 लेकिन आपके कितने आ गए? 30, 3 नंबर यहाँ पर भी आप ज़्यादा हैं।
मान लीजिए स्कूल वालों ने, यानी स्कूल में जो इंटरनल मार्क्स है उन्होंने 12 नंबर आपको दे दिया, इतने मिलने ही मिलना है आपको, चिंता मत करिए, तो आपके 42 मार्क्स हो जाते हैं, वो भी आपके पासिंग मार्क्स से कहीं ज़्यादा, यानी पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 33 और यहाँ पर आपके आ रहे हैं 42, यानी ऐसा करने पर भी आप पास हो रहे थे। चलिए बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। मान लीजिए इतना भी आपका लक साथ नहीं दे रहा है, फिर क्या करें? चलिए ये इस पे आप नज़र डालिए थोड़ा। मान लीजिए आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चाहिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं गया। जो दूसरा सेक्शन था बी, उसमें से सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सही गया, बाकी सब सारे क्वेश्चन गलत चले गए। फिर सी सेक्शन में जो कि 24 नंबर का आने वाला था, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ही उसमें मिल पाए। और सेक्शन डी जो कि 24 नंबर का था, उसमें भी आपको सिर्फ 10 नंबर ही मिल पाए। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आते 23 नंबर, ठीक है। और मान लीजिए इस इंटरनल मार्क्स में आपके 15 नंबर आ गए, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि कम से कम 15 नंबर या 12 नंबर तो आपके आने ही है इंटरनल मार्क्स में, ठीक है। अगर इन सबको जोड़ते तो होते 38 नंबर, 38 नंबर, और आपको चाहिए कितने? 33। यहाँ पर भी आपके 5 मार्क्स ज़्यादा है पासिंग मार्क्स है। चलिए बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की। मान लीजिए और भी आपका किस्मत खराब है, इतना भी आप नहीं कर पाए, आप इतना भी नहीं पढ़ पाए, तो क्या करें? एक और कंडीशन है वो देखिए, चलिए इस पर नजर डालिए जरा। मान लीजिए आपका जो सेक्शन ए है, फिर आपको अगेन कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, सेक्शन बी में से आपको ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आप कर पाए, या अधूरे अधूरे करें उसमें 2 मार्क्स आपको मिल गए। सी सेक्शन जो कि 24 मार्क्स का आने वाला था, उसमें भी मात्र आपको 8 नंबर ही मिल पाए, यानी इसमें आपके 8 क्वेश्चन आने वाले थे, उसमें से आपको किसी में 1, किसी में हाफ, किसी में डेढ़, ऐसे मिल के 8 नंबर मिल गए। सेक्शन डी जो कि 24 मार्क्स का सेक्शन था, उसमें भी आपको सिर्फ 8 नंबर ही मिल पाए। तो अगर इनको जोड़े तो होते हैं आपके 18 नंबर, ठीक है। और इंटरनल मार्क्स मिला लें 15 नंबर जो कि मिलना है आपको, तो इंटरनल मार्क्स और ये वाले मार्क्स दोनों मिलके होते हैं 33 नंबर, जो कि आपके पासिंग मार्क्स के बराबर है। तो ये जो 4 कंडीशन है, इनमें से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना यार, इतनी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर साल भर स्कूल गए हो, आपने साल भर पढ़ाई, साल भर आपने कोचिंग की है, तो इतने नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन को करना है, जितना आपसे बन जाए उतना करिए, आपको इतने इतने नंबर जो मैंने अभी बोले हैं वो मिल ही जाएंगे 100%, क्योंकि मैं भी कापी चेक करने जाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो मैंने बताई ऐसी ट्रिक है जो बिना पढ़े भी आप पास हो सकते हो, ये गारंटीड है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जो मैंने अभी बताई है, इन चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप निश्चित तौर पे पास हो जाएंगे। और जब आप पास हो जाएं, आपका रिजल्ट आ जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर आपकी ट्रिक हमें काम में आई और हम पास हो गए। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।